वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाह रहे हैं कि मुझे कार की फैसिलिटीज दी जाए और आवास की घर की सुविधा दी जाए। तो यहाँ पर बताइए कहाँ पर हमारा एरर है या नो एरर है इस क्वेश्चन में, देखिए कमेंट करिए आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इट्सेल्फ क्या अपने आप के लिए, एक पर्सन थोड़ी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बहुत सारे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ज्यादा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इट्सेल्फ प्रोनाउन यूज थोड़ी होगा। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देमसेल्फ्स, उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी में एरर है, इटसेल्फ नहीं होगा, देमसेल्फ्स होगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, देमसेल्फ्स। चलिए सेकंड देखते हैं, वी विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजर ऑन स्ट्राइक। मैनेजर कहाँ पर है, हड़ताल पर है, इसलिए हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। तो इसमें बताइए कहाँ पर एरर है हमारी, देखिए ये जो दे रखा है ना, अवेट फॉर, अवेट मीन्स क्या होता है, अवेट, अवेट मीन्स अवेट के अंदर ही हमारा छुपा हुआ है वेट फॉर, ये जो फॉर है ना ये हमारा अवेट के अंदर ही है, इसमें इंक्लूड है, तो ये फॉर अलग से लगाने की नीड नहीं है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर होगी, फॉर नहीं लगेगा, अवेट मीन्स ही होता है वेट फॉर। तो वी हैव टू अवेट द रिजल्ट एज द मैनेजर ऑन स्ट्राइक, फॉर हम लोग हटा देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। जब मैं यंग था तो मैं मोहन से ज्यादा तेज दौड़ता था, दौड़ सकता था, सकता हूं। यहां पर कैन लगा दिया है और हमारा सेंटेंस कैसा है, पास्ट में है, तो यहां पर मैं दौड़ सकता हूं और जब मैं यंग था, तो यहां पर हमारा पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, आई वॉज यंग मैं दौड़ सकता था, तो कैन की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट में एरर आ जाएगी, कैन की जगह पे कुड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस हमारा चल रहा है, कैन प्रेजेंट में लगता है, सकता हूं नहीं होगा, सकता था हो जाएगा, तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन। तो आप लोग बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड दिक्कत हो आपको बताइए, कहाँ पर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से बताती हूँ आपको। तो चलिए फोर्थ देखते हैं, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम और नो एरर। इसमें आप लोग प्लीज कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन से पार्ट में हमारी एरर है, बताइए प्लीज। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, He says, वो कहता है कि वो नॉवेल्स पढ़ता है पास अवे द टाइम, समय को पास अवे करने के लिए। पास अवे मीन्स क्या होता है, पास अवे जब कोई मर जाता है या गुजर जाता है उसके लिए बोलते हैं, कि हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम समय मारने के लिए नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी बोला जाता है, समय को गुजारने के लिए, समय को टाइम पास करने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं लोग बहुत से, तो पास अवे थोड़ी बोलते हैं, पास अवे मीन्स होता है कोई पास अवे हो गया, कोई मर गया, मरना पास अवे नहीं होगा, ओनली पास होगा, टू पास द टाइम, समय को गुजारने के लिए वो नॉवेल्स पढ़ता है, तो सिंपली इसमें हमारा पास अवे 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 हम लोग हटा देंगे, पास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले में हमारे सी पार्ट में एरर है, टू पास अवे, अवे हटा देंगे टू, तो इसमें पास हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, चलिए देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, अबव। अबव इस क्या होता है, देखिए बताइए ए बी सी डी में से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, आर्ग्यू बहस करना, हेट नफरत, डिस्कवर खोज, रिवील प्रकट करना, बताइए कौन सा होगा अबोर मीन्स। अबोर का मीन्स क्या होता है, नफरत, नफरत करना, किसी से नफरत करना होता है ना अबोर, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हेट। अबोर मीन्स क्या होता है, नफरत, हेट, इसको हमारा और सिनोनिम इसका क्या होता है, लोथ, लोथ, एल ओ ए टी एच, ये भी सिनोनिम होता है,
एक हमारा होता है डिटेस्ट, डिटेस्ट इसका मतलब भी क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। तो हमारे अबाउ के मीनिंग हो गए हेट, लोथ, डिटेस्ट। तो चलिए सेकंड देखते हैं, मैरी। मैरी मीन्स क्या होता है, मैरी मीन्स बताइए, ए बी सी डी, काम, कर्व, कॉशियस, कंफ्यूज्ड। काम शांत, कर्व वक्र का कोई सेंस लग नहीं रहा है इसमें, कॉशियस और कंफ्यूज्ड। तो बताइए, देखिए मैरी मीन्स क्या होता है, मैरी मीन्स होता है सतर्क, सतर्क रहना। तो यहां पर हमारा कौन सा मीनिंग निकल रहा है सतर्क में, कॉशियस निकल रहा है, सी वाला ऑप्शन। कॉशियस मीन्स भी क्या होता है, सतर्क रहना। हम इसका और सिनोनिम क्या बोल सकते हैं, अलर्ट रहना, केयरफुल। तो ये हमारे कुछ सिनोनिम हो गए वेरी के, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए थर्ड देखते हैं, लक्यूशियस। लक्यूशियस मीन्स क्या होता है, ए बी सी डी, थर्स्टी, टॉकेटिव, ब्यूटीफुल, कॉम्प्लिकेटेड। बताइए कौन सा होता है हमारा। तो देखिए लक्यूशियस मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत बातूनी होता है, हर टाइम उसे बातें करने को रहती है, बहुत बातें होती है उसके पास। सामने वाला इंसान बस हाँ हाँ करता रहता है, वो बोलता रहता है हाँ 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 बस, टॉकेटिव। तो हमारा क्या होता है, लक्यूशियस मीन्स टॉकेटिव मीन्स बातूनी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चैटी, चैटी भी बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, चैटी। और एक हमारा अच्छा सा वर्ड होता है गैरुलस, गैरुलस। तो ये हमारा मीनिंग होता है लक्यूशियस का, इसके लिए सिनोनिम है, आप देख लीजिएगा। तो फोर्थ हमारा क्या है, एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स क्या होता है, निष्कासित करना, निष्कासित करना, निष्कासित करना। यह हमारा क्या है, एक और होता है हिंदी मीनिंग रद्द करना, रद्द करना, निष्कासित करना, एक्सपेल कर दिया, घर से निकाल दिया, एक्सपेल, निष्कासित कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, हेट होगा नहीं, नफरत, फेड, कलर फेड हो गया हमारा, फीका पड़ गया वो भी नहीं, फीका पड़ना, क्लीन, साफ करना। तो एक्साइल, देश निकाला या घर से निकाला, तो एक्साइल मीन्स क्या होता है, देश निकाला। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। तो ये हमारे चार सिनोनिम्स थे, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन था, प्रैक्टिस सेट हमारा। आप कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आंसर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।